हाँ था नो। ओके, गुड इवनिंग माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू दीप्ति मैम्स क्लास एंड वेलकम टू सुखोई एकेडमी चैनल। ठीक है, हमारे एनडीए की क्लासेस चल रही हैं, आ जाओ फटाफट जुड़ जाओ एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ क्लास टुडे ऑफ वोकैबलरी। ठीक है, आज हमारी फर्स्ट क्लास होगी वोकैबलरी की। ठीक है, हाउ टू लर्न वोकैबलरी, हाउ टू इंक्रीज आवर वर्ड पावर, उस पर बेस्ड आज हमारा सेशन होने वाला है। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट वोकैबलरी, लर्निंग न्यू वर्ड्स। ठीक है, किस तरीके से लर्न किया जाए, क्योंकि डिक्शनरी में तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, इज़न्ट इट? और ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल टू लर्न ऑल दोज वर्ड्स। ठीक है ना, लर्न करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक तरीका होता है, तरीका होता है उन वर्ड्स को लर्न करने का, इस तरीके से दिमाग में बिठाने का कि वो वर्ड्स आप कभी भी नहीं भूल सकते हो। ठीक है, तो ये एक कदम बढ़ाया है सुखोई एकेडमी में इस डायरेक्शन में एनडीए की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, टिल नाउ सुखोई हैज़ बीन प्रिपेयरिंग द चिल्ड्रेन टू फेस द कॉम्पिटिशन्स लाइक सैनिक हो गया, मिलिट्री हो गया, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज हो गया, एंड वी आर प्राउड टू शेयर दिस विद ऑल द चिल्ड्रेन कि हम लोगों ने बहुत सारे सिलेक्शंस दिए हैं और ऑल इंडिया रैंक 1 RIMC में, दैट ऑल्सो वी हैव बैग्ड। ठीक है, तो अब हमारा जो स्टेप है, हम लोग आगे बढ़े हैं, दैट इज इन द फील्ड ऑफ NDA, नेशनल डिफेंस अकेडमी। ठीक है, उसकी तैयारी में हम लोग आगे बढ़ गए हैं एंड विद द सपोर्ट ऑफ यू चिल्ड्रेन, तुम लोग भी हमारे साथ साथ चलोगे, प्रिपरेशन करेंगे और एंड तक हमारी जर्नी जाने वाली है, ये मैं हर सेशन में तुम लोगों को बोलती हूँ। चलो, अब जो लोग जुड़ गए हो, सो लेट्स स्टार्ट अ सेशन। यस बेटा, ये जो वीडियो है ना, ये तो वोकैबुलरी का है। ठीक है, और वोकैबुलरी तो जितनी लर्न की जाए उतनी कम है। क्या है, सैनिक स्कूल हो गया, मिलिट्री हो गया, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज हो गया, या एयरफोर्स का एग्जाम हो गया, MNS हो गया, NDA हो गया, CDS हो गया, जिसमें भी वोकैबुलरी का क्वेश्चन आता है, उन सबके लिए दिस वीडियो इज गोइंग टू बी हेल्पफुल। और आज हमारा जो सेशन है वो फर्स्ट सेशन है। ठीक है, आज जो हमारी वोकैबुलरी की क्लास में लेकर आई हूँ, लर्निंग विद रूट वर्ड्स, तरीका बताऊंगी किस तरीके से लर्न करना है। बेटा, ये तुमको हर किसी के हर तरह के एग्जाम में हेल्प करने वाला है, इवन जो स्कूल के एग्जाम्स होते हैं उसमें भी, व्हेन यू आर डूइंग दैट राइटिंग सेक्शन वाला पार्ट, उसमें भी आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है, वोकैबुलरी तो बेटा हर जगह यूज होती है। अरे, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, पढ़ते पढ़ते एक कॉमन कंप्लेन होती है कि मैम समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आता क्यों? क्योंकि वेराइटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स एक तो उसमें लिखे हुए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज द वर्ड्स, वोकैबुलरी, वोकैबुलरी नहीं आएगी तो चीज कैसे समझ में आएगी? ठीक है, तो जब तुमको वोकैबुलरी इतनी सिखा दी जाएगी, इतना स्टॉक तुम्हारे पास होगा, तो फिर वो समझना, लिखना, पढ़ना सब आसान हो जाएगा। ठीक है, MD इंजा मैम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, यू वेलकम टू माई क्लास। ठीक है, तो हम सेशन स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे बच्चे जुड़ते जाएंगे, हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो हियर सिंपल वेज टू इंप्रूव योर वोकैबुलरी। क्या सिंपल तरीका है, सिंपल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दो तरीके से वोकैबुलरी को लर्न करना शुरू करेंगे। ठीक है, दो तरीके से हम इसको लर्न करेंगे। जो एक जो तरीका है ना, एक जो तरीका है, दैट इज विद द रूट वर्ड्स। हम रूट वर्ड देखेंगे और उस रूट वर्ड का मीनिंग से हम उस दूसरे वाले पार्ट को कनेक्ट करेंगे। एक तो मेन वर्ड हो जाएगा और उसके साथ क्या होगा, एक प्रिफिक्स जुड़ा हुआ होगा। ये जो रूट वर्ड है, क्या होता है, ये प्रिफिक्स होता है। ठीक है, इस प्रिफिक्स से हम क्या करेंगे, उस वर्ड का मीनिंग हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हेलो बेटा, हेलो अनिरुद्ध। एंड नेक्स्ट जो तरीका होता है वोकैबुलरी का लर्न करने का, व्हाट इज दैट मेथड? ठीक है, दूसरा मेथड क्या होता है, निमोनिक्स। जैसे हमने कोई एक वर्ड देखा और उसको हमने बहुत प्लेफुल तरीके से, उसका मीनिंग कुछ इस तरीके से विजुअलाइज किया, उसको हमने इमेजिन करके अपने दिमाग में फिट कर लिया,
हमने कोई भी एक वर्ड लेकर के, तरीका मैं जैसे तुम लोगों को बताती हूँ, ठीक है, कोई भी एक वर्ड लिया, जैसे हो गया हमारे पास आर्बिट्रेटर, आर बी टी, ठीक है, टी आर ए टी ओ आर, स्पेलिंग इसकी होती है ए आर बी आई टी ए टी ओ आर, आर्बिट्रेटर। ठीक है, आर्बिट्रेटर। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अगर हमें इस वर्ड को लर्न करना है तो हम क्या करेंगे, इसी वर्ड्स को इस तरीके से पढ़ेंगे कि उससे कोई पिक्चर हमारे दिमाग में आ जाएगी। अगर हम इस वर्ड को देखते हैं आर्बिट्रेटर, तो हमारे वर्ड, हमारे दिमाग में एक वर्ड आया अरबी। अरबी क्या होती है, बहुत स्लाइमी सी होती है, बहुत फिसलने वाली होती है। वो क्या आई, एक ट्रे में आई, ट्रे आ गया ना, ट्रे, अरबी जो है एक ट्रे में आई। क्यों आई, क्योंकि उसको डिसाइड करना है, क्या डिसाइड करना है कि कौन सी पार्टी सही है। दो पार्टीज हैं, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया है, कोई क्वारल हो गया है, कोई लड़ाई झगड़ा है। अब अरबी को बुलाया गया ट्रीट देकर के, इसको तुम ऐसे भी याद कर सकते हो। एक तो हो गया भाई ट्रे, ट्रे में अरबी आई, फिसलने वाली अरबी होती है, थोड़ी सी स्लाइमी होती है, कभी इधर जा रही है कभी इधर जा रही है, क्योंकि उसको डिसाइड करना है कि कौन सी पार्टी सही है, किसका पक्ष सही है किसका गलत है। ठीक है, तो वो कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है। भाई ट्रीट दी है उन्होंने, क्या किया उन्होंने, प्रॉमिस किया है कि अगर तुम मेरी तरफ बोलोगे, मेरे फेवर में बोलोगे, मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। दोनों पार्टी ने उसको क्या दी हुई है, ट्रीट दी हुई है। अब अरबी है, वो कभी उधर जा रही है, उसको लगता है ओ दिस पार्टी इज स्ट्रॉन्गर, तो वो कभी उधर जा रही है कभी वो इधर जा रही है, वो आई है ट्रे में फिसलती जा रही है इधर से उधर। सो दिस इज व्हाट आर्बिट्रेटर। सो हु इज आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर इज अ पर्सन, एक ऐसा आदमी जिसे कि बुलाया गया भी हमारा मामला सुलझा दो, हमारे बीच में एक कलह हो गई है, एक थोड़ी सी एक क्वारल हो गई है, एक कॉन्फ्लिक्ट है, उसको सॉल्व करने के लिए उस पर्सन को बुलाया गया। तो वो जो पर्सन हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, आर्बिट्रेटर। आ गया समझ में। तो हमने क्या किया, वर्ड्स के साथ खेला, हमने ये नहीं देखा कि हमारा जो वर्ड है वो इंग्लिश का वर्ड है, अरबी हमारा हिंदी का वर्ड है, तो हम किस तरीके से, नहीं हमें तो भाई वर्ड लर्न करना है, समझ में आ रही है। तो हमको क्या करना है, हमें वर्ड लर्न करना है, हमने उन्हीं वर्ड्स को यूज करके अपने दिमाग में एक पिक्चर विजुअलाइज कर लिया, बस उसको हम कभी भूलेंगे नहीं। अब अगर 7 दिन भी बाद तुमसे पूछा गया भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्बिट्रेटर, दिस इज नॉट गोइंग टू गो अवे फ्रॉम योर माइंड, वॉश नहीं होगा तुम्हारे दिमाग से। ठीक है, और दूसरा तरीका रूट वर्ड हो गया। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हम वोकैबुलरी को बिल्ड करेंगे थ्रू द हेल्प ऑफ रूट वर्ड्स। ठीक है, देखो मैं तुम लोग को थोड़ा सा अपना प्लान बता देती हूँ कि हम लोग की क्लासेस किस तरह से होगी। हमारे 2 सेशंस हमारे हो गए नाउन के, ठीक है, 2 क्लासेस बैक टू बैक होंगी ग्रामर की, और 2 क्लासेस बैक टू बैक होंगी वोकैबुलरी की। आज हमारी 1 क्लास हो गई वोकैबुलरी की, कल संडे है, कल आपकी क्लास नहीं होगी, फिर मंडे को फिर हमारा वोकैबुलरी सेशन होगा। ठीक है, मंडे को फिर हम वोकैबुलरी करेंगे। तो 2 क्लासेस हमारी किसकी होंगी, 2 क्लासेस हमारी ग्रामर की होंगी और 2 क्लासेस हमारी वोकैबुलरी की होंगी। ये तरीका मैंने तुमको बता दिया कि इसी तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी हम क्योंकि रूट वर्ड की बात कर रहे हैं, सो वी विल स्टडी अबाउट द रूट वर्ड। ठीक है, एक एक रूट वर्ड को लेकर के हम डिटेल में पढ़ेंगे और जितने भी पॉसिबल वर्ड्स हैं हम उसको देख लेंगे। ठीक है, जय हिंद बेटा मिर्जा गर्ल, मैं वही सोच रही थी कि तुम आई नहीं, जय हिंद संजय पटेल, जय हिंद। ओके, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम निमोनिक को यूज कर सकते हैं। और रूट वर्ड क्या होता है, निमोनिक हेल्प्स यू रिमेंबर द न्यू वर्ड्स बाय एसोसिएटिंग देम विद फनी एग्जांपल्स। कोई भी फनी एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने अभी एग्जांपल ले लिया था कि भाई वो अरबी आई ट्रे में और उसको बोला गया कि मैटर को सुलझा दो, और वो ट्रे में फिसल रही है इधर से उधर, भाई उन्होंने ट्रीट भी बोला हुआ है कि हम तुम्हें ट्रीट देंगे, सो द वर्ड वॉज आर्बिट्रेटर। क्लियर हो गया, नेक्स्ट। तो आज जो हम करेंगे ना, आज का जो सेशन है वोकैबुलरी का, सो फॉर टुडे सेशन मैं क्या लेकर आई हूं, एक रूट वर्ड लेकर के आई हूं, एंड विच रूट वर्ड इज दैट, दैट इज एम ए एल, मैल, मैल भी बोलते हैं। मैल का मतलब क्या होता है, मैल स्टैंड्स फॉर, अगर खाली हम रूट वर्ड का मीनिंग देखें तो रूट वर्ड इसका मीनिंग हो जाता है बैड, एनीथिंग विच इज बैड और एनीथिंग विच इज इविल, अच्छा नहीं लगता।
कोई भी चीज़ है अच्छी नहीं लगती, कोई प्रैक्टिस है अच्छी नहीं लगती, अरे स्मेल आ रही है अच्छी नहीं लगती, तो वो क्या हो गया, मैल से बनाओ वर्ड, तुम्हारा जो भी वर्ड आएगा उसका मतलब हो जाएगा नेगेटिव, उसका मीनिंग हो जाएगा नेगेटिव, उसका मीनिंग हो जाएगा कुछ गंदे से रिलेटेड, कुछ बैड से रिलेटेड। हेलो भाई, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे आ गए मेरे पास, मिशन एनडीए आ गया, वेरी गुड। हेलो बेटा नितेश सिंह, हेलो, यू आर वेलकम टू माई क्लास, और मुझे फीडबैक जरूर देना कि तुम्हें कैसी लगी मेरी क्लास, ठीक है। आज हमारी क्लास वोकैबुलरी की चल रही है, ग्रामर की क्लास में हमने थोड़ा सा नाउन किया था, अभी बस शुरुआत है, शुरुआत है हमारी जो ट्रेन है धीरे 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 कल करके शुरू होनी हुई है। और ये जो सेशन है ये मैं अपने घर में ले रही हूँ, नया सेटअप है, और मैंने फील किया कल की वीडियो में कि थोड़ी सी इको हो रही थी, ठीक है, उसका भी सोल्यूशन ढूंढा जाएगा। एकदम से तो कोई चीज़ एकदम 100% तो परफेक्ट नहीं होती है ना, सो ग्रेजुअली इट विल टेक प्लेस, ठीक है। और इसके पहले मेरी जो क्लासेस थी वो सुखोई अकेडमी में चली रही थी, स्टिल अभी भी RIMC की जो क्लासेस हैं वो सुखोई में चल रही है, लेकिन NDA की क्लासेस में अच्छी लगी क्लास, ओके थैंक यू थैंक यू, ठीक है। और आगे अटेंड करो बेटा अनिरुद्ध, बहुत कुछ सीखोगे। हाँ फाइनली स्मार्ट बोर्ड घर पे लग गया, ठीक है, तो समझ में आ गया। ये जो रूट वर्ड माल है ना, इसका मतलब होता है बैड या इविल। अब इसी रूट वर्ड से हम क्या करने वाले हैं, हम अपनी वोकैबुलरी को बिल्ड करेंगे। ध्यान से देखो एक एक वर्ड, ध्यान से देखो, जो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास वो क्या है, मैलाड्रॉइट, मैल आ गया और फिर एक आ गया एड्रॉइट, ठीक है। अब हम इसको किसी ना किसी से कनेक्ट करेंगे, भाई हमारा जो पर्पस है वो है वोकैबुलरी को लर्न करना, चाहे उसको हम रूट वर्ड से करें चाहे हम निमोनिक यूज करके करें, पॉइंट इज एट द एंड ऑफ द डे हमारे दिमाग में वो वर्ड फिट हो जाना चाहिए। जय हिंद बेटा सूरत सिंह, जय हिंद जय हिंद, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास आ गया मैल, मैल का मतलब हमें पता है भाई कोई भी चीज जो अच्छी ना है, बैड। अब एंड्रॉइड आ गया, एड्रॉइड भाई जो रायट्स होते हैं, रॉइड को हम रायट करके देख लेते हैं, रॉइड को हम रायट कर लेते हैं। रायट का मतलब क्या होता है, रायट का मतलब होता है दंगे, ठीक है। कहीं भी रायट्स अगर हो जाते हैं मतलब दंगे हो जाते हैं, वो दंगे अच्छे तो नहीं होते, दंगे तो किसी को भी अच्छे नहीं लगते, तो मैल एड्रॉइट मतलब क्या हो गया, गंदी, इविल, एनीथिंग विच इज क्लमजी। किसी का चलने का तरीका खराब होता है ना, कोई बहुत अजीब तरीके से चीजों को हैंडल करता है इन अ हाईली क्लमजी मैनर, ऑकवर्ड मैनर, ऑकवर्ड मतलब क्या होता है, स्ट्रेंज, अजीब तरीके से, अजीब तरीके से, ऑकवर्ड, ऑड तरीके से, ऑड तरीके से उसको वो हाथ हैंडल करता है, अजीब तरीके से वो चलता है, ठीक है। उसके अंदर स्किल नहीं है, ही इज एन इन एक्सपर्ट, एक्सपर्ट नहीं है, वो क्लमजी है, ऑकवर्ड, इनएप्ट है, ही इज अनस्किल्ड, तो मैलाड्रॉइट, ठीक है, मैलाड्रॉइट हो गया भाई, एड्रॉइट हो गया दंगे, दंगे किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं, अजीब तरीके से वो कहीं भी इधर उधर फायर करना शुरू कर देते हैं, किसी को भी मारना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो दूसरी बात होता है एंड्रॉइड, अगर हम इसको देखते हैं फोन, एंड्रॉइड आजकल फीचर्स आ चुके हैं, हर कोई तो उसको नहीं चला सकता है, हर कोई उसको हैंडल नहीं कर सकता है, तो उसमें वो स्किल्ड नहीं होते, जो पुराने लोग होते हैं, जो पुराने लोग होते हैं हमारे दादा बाबा लोग हो गए हैं भाई, उनको बोलते नहीं हमें तो नहीं चाहिए, हमें तो बेसिक फोन दे दो, तो दे फील ऑकवर्ड इन हैंडलिंग दैट सेट, ठीक है, क्योंकि वो इनएक्सपर्ट होते हैं। नेक्स्ट वर्ड समझ में आ गया, फर्स्ट वर्ड इज क्लियर, नेक्स्ट इज मैलेडी। भाई अगर बीमार हो जाते हो, डिजीज हो जाती है, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नाम भी बहुत जबरदस्त है तुम्हारा, बाप जी गेमिंग, डार्क गेमर, राम राम, राम राम भाई, राम राम, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा, मैलाड्रॉइट क्लियर हो गया। नेक्स्ट वर्ड पे हम आ जाते हैं मैलेडी, मैलेडी, अच्छा इसके हम पार्ट ऑफ स्पीच भी देखते चलेंगे, ठीक है। जैसे बोलते हैं दैट पर्सन इज अ मैलाड्रॉइट, दैट पर्सन इज मैलाड्रॉइट सिंस ही डज नॉट नो हाउ टू वर्क ऑन अ कंप्यूटर, ही दैट पर्सन इज मैलाड्रॉइट। तो मैलाड्रॉइट की अगर पार्ट ऑफ स्पीच भी देखें क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज मेलेडी, मेलेडी क्या होता है, डिजीज होती है, और इसकी जो पार्ट ऑफ स्पीच होती है ना वो क्या है, इट्स अ नाउन, ठीक है। ओ ही सेइंग लव फ्रॉम बिहार, वेलकम टू बिहार, क्या बात है, ठीक है बेटा, वेरी गुड, शाबाश,
वेलकम टू बिहार। हम इंडियंस होते ही ऐसे हैं, बहुत प्यार भरा होता है हमारे दिल में। हम लोगों को अपने घर में इनवाइट करना बहुत पसंद करते हैं, इज़न्ट इट? चलो मैं एक सुंदर सा एग्जांपल तुम लोगों को देती हूँ। जैसे हमारे मैंने एक सेंटेंस बोला कि मैं खेलती हूँ, बताओ मुझे इंग्लिश बता दो। मैंने बोला मैं खेलती हूँ या मैं खेलता हूँ, ये इसने बोला ना, लव फ्रॉम बिहार, वेलकम टू बिहार। इससे मुझे एक बहुत सुंदर सा एक एग्जाम्पल याद आ गया, ठीक है, ट्रांसलेशन भी हो जाएगी। जो हम लोगों का एक पर्पस होता है थोड़ा सा मेरे अंदर रहता है कि तुम लोगों को सेंटेंस फॉर्मेशन आ जाए, ठीक है। अब इसने बिहार की बात बोल दी, इनवाइट कर दिया, दिल में थोड़ा सा इंडियन होने का एक गर्व हुआ कि देखो हम इंडियंस कैसे होते हैं ना, इनवाइट करना कितना अच्छा लगता है, अतिथि देवो भव, है ना, उस चीज को हम फॉलो करते हैं। तो हमारा जो ट्रांसलेशन है वो भी पर्पस अभी हम पूरा कर लेते हैं, ठीक है। लव फ्रॉम जयपुर, अनिरुद्ध इज राइटिंग लव फ्रॉम जयपुर, क्या बात है। चलो इसका बनाओ, मैंने बोला मैं खेलता हूं या मैं खेलती हूं, इसकी इंग्लिश मुझे बता दो। ठीक है, हमारा एक पन दो काज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम इंग्लिश सीख रहे हैं, ग्रामर सीख लिया, सीखा नहीं, सीख रहे हैं हम वोकैबुलरी के करते करते साथ में सेंटेंस फॉर्मेशन भी सीख रहे हैं। आई प्ले, वेरी गुड, मैं खेलता हूँ। देखो मैं यहाँ पे क्या हो गया, मैं सब्जेक्ट हो गया और खेलना क्या हो गया, एक क्रिया हो गई, तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। और ये सेंटेंस मैंने किस में लिखा बेटा, ये सेंटेंस मैंने लिख दिया हिंदी में। और इंग्लिश में मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिख दिया इंग्लिश में आई प्ले। अब मैंने बोला कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैंने इन दोनों के बीच में डाल दिया एक वर्ड सी आर आई सी के ई टी, मैंने एक वर्ड डाल दिया क्रिकेट, मैंने दोनों के बीच में एक वर्ड डाल दिया आई प्ले क्रिकेट, हिंदी में बोला मैंने, तो इंग्लिश में क्या बन जाएगा जल्दी बता दो। राम लव फ्रॉम भिंड एंड मुरैना, अरे बापरे, भिंड और मुरैना तो बेटा मेरे ख्याल से डाकू वाला इलाका आ गया, बट स्टिल इतने प्यार से बुला रहे हो तो जरूर आएंगे, ठीक है। अब मैंने ये बोल दिया, ये वाला बताओ, मैं क्रिकेट खेलता हूं, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई प्ले क्रिकेट, मिर्जा गर्ल ने जल्दी से बता दिया आई प्ले क्रिकेट। क्लियर? अच्छा, मैंने हिंदी में बोला मैं पार्क में क्रिकेट खेलता हूं, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? मैंने हिंदी में बोला, मैंने क्रिकेट से पहले एक और वर्ड यूज कर दिया, मैं पार्क में, ठीक है, मैंने क्रिकेट से पहले एक और ऐड कर दिया, मैंने बोला मैं पार्क में क्रिकेट खेलता हूं, ये तो हिंदी हो गई, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वेरी गुड अनिरुद्ध, मैंने बोला आई प्ले क्रिकेट इन द पार्क। अब बेटा मैं जो बोलने वाली हूं उससे ये बिल्कुल मत समझना मैं फेनेटिक हूं या मैं बायगॉट हूं, किस बिना किसी की फीलिंग्स को हर्ट किए हुए मैं खाली एक मैं चीज तुम लोग को जो बताने जा रही हूं, द पर्पज इज नॉट गोइंग टू हर्ट एनीवन। मेरा पर्पज ये नहीं है कि मैं किसी को हर्ट करूं, ठीक है, ना ही मैं फेनेटिक हूं ना ही मैं बायगॉट हूं। इसका मीनिंग तुम लोग देखना क्या होता है, फेनेटिक और बायगॉट का मतलब, यहां पे देखो, यहां पे क्या हो गया, जैसे हम हिंदू हैं, तो मेरे घर में अगर कोई आएगा तो मैं क्या करूंगी, मैं अपना कमरा उसको दे दूंगी, इजंट इट? मैं खेलता हूं भाई, हम लोग परिवार में रह रहे हैं, कोई आया क्रिकेट आया मेहमान, मैंने उसको अपना रूम दे दिया, मैंने उसको अपने रूम में जगह दे दी। फिर एक और कोई मेहमान आ गया, मैंने उसको फिर अपने रूम में जगह दे दी। तो ये है हम हिंदू, हमें मेहमानों का आना अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि अतिथि देवो भव, गेस्ट जो होते हैं वो हमारे मेहमान होते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने उन मेहमानों को अपने घर में जगह दे दी। हम लोग परिवार वाले अलग अलग हो गए, अपना अपना घर उनको दे दिया, लेकिन इंग्लिश में क्या हुआ, आई प्ले, प्लीज आई एम नॉट, माई इंटेंशन इज नॉट टू हर्ट एनी वन फीलिंग, ये खाली एक बात दिमाग में आ गई। आई कौन हो गया, सब्जेक्ट हो गया, प्ले कौन हो गया, वर्ब हो गया। अब इसके बाद क्या आ गए, मेहमान आते गए अलग अलग कमरे में जाते गए, ठीक है। अच्छा, सचिन शर्मा सी, ही हैज कम फ्रॉम जम्मू कश्मीर, ही इज माय ओल्ड स्टूडेंट, आरआईएमसी का मेरा पुराना बच्चा है ये, योर वेलकम बेटा, योर वेलकम, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अच्छा, इसने अनिरुद्ध ने देख लिया, वन हु इज फिल्ड विद एक्सटेंसिव एंथुसियाज्म इन रिलीजियस मैटर्स, हाँ वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा।
ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं, हम इस चीज को तो ट्रांसलेशन के लिए बीच में आ गए, ठीक है, हमारा एक और जो था टारगेट रहता है ट्रांसलेशन का वो पूरा हो गया। ठीक है, अब हम रूट इस पे आ जाते हैं। रूट वर्ड्स पे भी मैलेडी का मतलब होता है डिजीज, एक नाउन है ये, डिजीज हो गई तो भाई सिकनेस हो गया। ध्यान रखो अगर किसी वर्ड के एंड में ना एन ई डबल एस लग जाता है ना, सफिक्स लग जाता है, इट बिकम्स अ नाउन, सिकनेस हो गया तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। इलनेस हो गया, अगेन नाउन हो गया। इनफर्मिटी हो गया, तो ये सब क्या है, नाउन है और मेलेडी के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज मैल कंटेंट, ये तो हो गया बैड। अगर हम इसका मीनिंग देखते हैं कंटेंट का, द मीनिंग ऑफ कंटेंट इज सैटिस्फैक्शन, संतुष्टि, सैटिस्फैक्शन। ठीक है, हाँ, नेस अगर आ जाता है तो इट बिकम्स अ नाउन, यस। तो यही जो है इट मीन्स सैटिस्फैक्शन। ठीक है, अब भाई हमें सेटिस्फैक्शन नहीं है, कितना भी अच्छा कर लो, कितना भी अच्छा खाना बना लो, कितना भी फैसिलिटीज दे दो, आई एम नॉट कंटेंटेड, तो मैं क्या बोलूंगी, आई एम मेल कंटेंट, आई एम मैल कंटेंट, क्या हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं हूं ग्रम्बलर, ग्रम्बलर कौन होता है, शिकायत, वाई आर यू ग्रम्बलिंग, तुम शिकायत क्यों कर रहे हो, तुम थुन 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 करते रहते हो, क्यों शिकायत कर रहे हो, तो हम बोलेंगे वाई आर यू ग्रम्बलिंग, तो ग्रम्बलिंग यहाँ पे वर्ड हो जाएगा। और जो शिकायत करता रहता है ना, एकदम कंप्लेन जो करता रहता है, हु कंप्लेन्स, वो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा ग्रम्बलर, खुशी नहीं होता है, वो कंप्लेन ही करता रहता है, बोलते ना मम्मी थुन फुन करते रहते हो फालतू में, सो द वर्ड इज ग्रम्बलर। नेक्स्ट वर्ड इज फॉल्ट फाइंडर, कितना भी अच्छा कर लो, अच्छा जल्दी से मुझे एक वर्ड बता दो जो खुशी नहीं होता है, मैं साइड हो जाऊं थोड़ा सा, कितना भी कर लो, कितना भी कर लो, कितना भी कर लो, कितना भी अच्छा कर लो, वो कभी खुश नहीं होगा, व्हाट इज द वर्ड फॉर दैट, क्या बोलेंगे उसको, भाई कितना भी कर लो वो खुश नहीं होगा, उस पर्सन को क्या बोलेंगे, उस पर्सन को क्या बोलेंगे, जल्दी बता दो, उस पर्सन को बोलेंगे फास्टिडियस। ठीक है, फास्टिडियस, इनसर्जेंट। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज इनसर्जेंट, इनसर्जेंट क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनसर्जेंट, इनसर्जेंट वो होता है जैसे कि हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल, कंप्लेन करने वाला। अच्छा कुछ लोग होते हैं वो बागी होते हैं, इनसर्जेंट को तुम बोल सकते हो आर ई बी ई एल, रिबेल, भाई गवर्नमेंट ने कुछ बनाया, गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बना दिए, वो उसके अगेंस्ट आवाज उठा रहा है। ठीक है, या इन्वेडिंग फोर्स है उसके अगेंस्ट वो आवाज उठा रहा है, वो क्या हो जाएगा, इंसर्जेंट हो जाएगा, दैट पर्सन इज कॉल्ड एन इंसर्जेंट। अब देखो मैं तुम लोग को एक बात बताना चाहती हूँ कि एनडीए के पेपर में जो वोकैबुलरी वाला पोर्शन आता है उसमें एक वर्ड दिया होगा या कोई सेंटेंस दिया होगा, वर्ड अंडरलाइन किया होगा एंड देन फोर ऑप्शंस आर गिवन। ठीक है, उसको किस तरीके से करना है, बिकॉज चलो हमको मीनिंग तो समझ में आ गया कि मैलेड्रॉइड का मतलब क्या होता है, देन दीज सिनोनिम्स आल्सो वी हैव अंडरस्टूड कि भाई इनका जो है रूट वर्ड का ये मीनिंग है और इसके जो है दूसरे वाले जो सिनोनिम्स है हमको समझ में आ रहा है, समझ में आ गया। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में इन्हीं सिनोनिम्स वाले जो वर्ड्स हैं इन्हीं सिनोनिम्स को अगर डाल करके वो ऑप्शंस दे देंगे, फिर कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा कि भाई ये दोनों ही सिनोनिम्स हैं, इस वर्ड के जो सिनोनिम्स हैं ये दोनों ही हैं, फिर दोनों में से बेस्ट पॉसिबल आंसर कैसा होगा। ठीक है, इस चीज को एक बार हमारा थोड़ा सा वोकैबुलरी पोर्शन कंप्लीट हो जाए उसके बाद वी आर गोइंग टू डू सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, हम ऐसे ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस को हम करेंगे और ढूंढेंगे कि कैसे बेस्ट पॉसिबल आंसर को टिक किया जाए, कैसे उसको मार्क किया जाए। ठीक है, यस, रिबेल अगेंस्ट गवर्नमेंट, इंसर्जेंट, वेरी गुड, वेरी गुड, चलो साथ साथ पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। चलो नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं। ठीक है, अगेन वी हैव द नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, नेक्स्ट वर्ड इज मैलफॉर्मेशन, नेक्स्ट वर्ड हमारा है मैलफॉर्मेशन। भाई फॉर्मेशन तो तुम लोगों को पता है किस तरीके से बनावट होती है, किसी चीज की बनावट किस तरीके है, अगर वो बनावट अच्छी नहीं है, मैलफॉर्मेशन है, अगर वो बनावट अच्छी नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे भाई इट इज मैलफॉर्म्ड, देयर इज अ मैलफॉर्मेशन। अच्छा इसमें तुमने क्या देखा
कि एक सफिक्स आया हुआ है इसमें, कौन सा सफिक्स आया हुआ है, आई ओ एन, करप्शन, आई ओ एन, ठीक है। तो जहां भी सफिक्स आ जाएगा आई ओ एन, तो वो वर्ड एज अ होल क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा, इस चीज का भी ध्यान देना है। आई ओ एन लगते ही वो वर्ड बन जाएगा नाउन, और हमारे पास जो वर्ड है वो है माल फॉर्मेशन, माल मतलब बैड, फॉर्मेशन मतलब बनावट। तो किसी भी चीज की बनावट अगर सही नहीं है, गलत तरीके से या गंदी फॉर्मेशन है, तो उसको बोलेंगे माल फॉर्मेशन, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे पैदा होते हैं, उनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो कभी कभी ठीक से बने हुए नहीं होते हैं, टेढ़े होते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, डिफॉर्मिटी आ जाती है या डिस्टॉर्शन आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज मैल फंक्शन। मैल फंक्शन भाई कभी कभी क्या होता है कि कोई फैशन शो चल रहा है, उसमें जो ड्रेस पहनी हुई है मॉडल्स ने, वो कभी कभी ठीक से वो चल नहीं पाती है, उसको पहन करके वो जो मॉडल्स हैं वो चल नहीं पाती हैं, या कभी कभी लाइट्स का जो फोकस होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं होता है, एंड द सिचुएशन बिकम्स क्वाइट शेमफुल, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, मैल फंक्शन था भाई, मैल फंक्शन था, द सिस्टम वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो वो जो था इट वॉज अ मैल फंक्शन, इट वॉज अ बैड फंक्शन, द थिंग्स वर नॉट वर्किंग एज प्लान। फंक्शन का मतलब ये नहीं हो गया कोई फंक्शन हो रहा है, फंक्शन का यहाँ पे मतलब है वर्किंग से, तो वो जो चीजें है ना वो ठीक से काम नहीं कर रही थी, देर वॉज मैल फंक्शनिंग। मैल फंक्शनिंग यहाँ पे वर्ब हो गया, लेकिन मैल फंक्शन क्या हो गया, देर वॉज मैल फंक्शन, ठीक है। तो गो एमएस और रॉन्ग, गलत तरीके से चला जाना या फेल हो जाना, अगर हम उसको बोलचाल की भाषा में बोलेंगे, स्लैंग मतलब होता है जो हम ऐसे ही किसी को बोल देते हैं ना, जैसे हिंदी में बोला हमने साला, अब वो सच्ची में साला थोड़ी ना है, ठीक है, बोलते बोलते साला निकल गया मुंह से, तो साला क्या होता है भाई, साला क्या होता है, वाइफ का भाई, तो हर कोई जना थोड़ी ना कोई वाइफ का भाई है, ठीक है। तो फिर यही क्या हो गया, एक स्लैंग वर्ड हो गया। अब यहां पे क्या हो गया, स्लैंग अगर हम बोलेंगे मैल फंक्शन को, तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, गो हे वायर भाई, प्लान चौपट हो गया, जो मैंने सोचा था वैसे नहीं हुआ, माई प्लान वेंट हे वायर, ठीक है, ऊपर खाबड़ हो गया, एंड देन मिसकैरियज हो गया, ठीक है, ठीक से फंक्शन नहीं किया, एंड देयर वाज अ मिसकैरेज। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है दैट इज मैलिंग। किसी का नाम बर्बाद, किसी का नाम स्पॉइल करना, भाई समाज में इज्जत है, अब कुछ लोग होते हैं ना उनसे देखा नहीं जाता है, वो कुछ ना कुछ बोल करके, कुछ ना कुछ बोल करके उसकी इमेज को क्या करते हैं, टार्निश करने की कोशिश करते हैं, टार्निश, टार्निश द इमेज, स्पॉइल करने की कोशिश करते हैं, उसकी रेप्यूटेशन को डाउन करने की कोशिश करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, मैलिंग कर लेना, ठीक है। क्या है इसके वर्ड्स, कौन कौन से देख लेते हैं, इनके वर्ड्स को भी बेटा तुम्हें याद करना है, रूट वर्ड तो याद करना ही करना है, इसके अलावा तुम्हें क्या याद करना है, तुम्हें इनके मीनिंग्स को भी देखना है, इसके सिनोनिम्स को भी देखना है, क्योंकि एक वर्ड के इतने सारे सिनोनिम्स जब करोगे तो तुम्हारे पास जो वर्ड बैंक होगा बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास मेलिंग का मीनिंग है दैट इज डिफेम करना, किसी की रेप्यूटेशन को डाउन कर देना, किसी रेप्यूटेशन खराब कर देना, कैलिमिनेट कर देना, एस्पर्स हो गया, ट्रेड्यूस हो गया, बेसमिर्च हो गया, एंड बैकबाइट, बैकबाइट मतलब चुगली करना, चुगली करना किसी की, तो चुगली जब करते हैं तो उसका नाम खराब करते हैं, उसकी एक इमेज बनी हुई है उसको खराब करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखो, ये वर्ड्स हमने पढ़ लिए, वर्ड्स पढ़ लिए, लेकिन इंग्लिश इतनी अच्छी लैंग्वेज है, इतनी ज्यादा, यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, तुम्हें इन मीनिंग्स को कॉन्सेप्ट के थ्रू भी समझना पड़ेगा। कभी कभी एक वर्ड होता है वो एक जगह अलग मीनिंग देगा, ठीक है, लेकिन किस तरीके से वो सेंटेंस में यूज किया गया है, किस तरीके से उसको सेंटेंस में यूज किया गया है, उसको तुम्हें उस तरीके से भी समझना पड़ेगा, क्योंकि मीनिंग सेंटेंस टू सेंटेंस, कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट वेरी भी कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज मेलिग्नेंट, ये नहीं कि मीनिंग ही चेंज हो जाता है, मीनिंग इन द सेंस कि भाई कभी कभी कोई वर्ड है वो हम बोल रहे हैं नेगेटिव मीनिंग वर्ड है, लेकिन जब हम उसको सेंटेंस में देखेंगे तो कभी कभी वो पॉजिटिव भी दे सकता है, ठीक है, उसको हम एग्जाम्पल देखेंगे तब और उसको क्लियर हो जाएगा।
नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज मेलिग्नेंट. मेलिग्नेंट एक एडजेक्टिव हो गया, ठीक है भाई. ट्यूमर हो जाता है बॉडी में, एक गांठ हो जाती है, वो बहुत डेंजरस है बॉडी के लिए, वो पॉइजनस भी हो सकती है, तो क्योर भी नहीं हो रहा उसका. तो बेटर क्या होता है, उसको बॉडी से निकाल के बाहर फेंक दो, ठीक है. उसको बोलते हैं मेलिग्नेंट ट्यूमर. डॉक्टर जो बोलता है ना वर्ड, उसको बोलते हैं मेलिग्नेंट ट्यूमर. इट इज हार्मफुल, इट इज हार्मफुल, सो बेटर इट इज, इट शुड बी थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है. तो मेलिग्नेंट क्या है, एक एडजेक्टिव है. सो व्हाट आर द सिनोनिम्स फॉर दिस. मेलिग्न हो गया, विक्षियस हो गया, एकदम जहरीला, क्रिमिनल हो गया, हार्मफुल हो गया, विरुलेंट हो गया, परनिशियस हो गया, फेटल हो गया, इनक्योरेबल हो गया, ठीक है. अब ये सारे वर्ड्स तो सिनोनिम्स हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट, वही मैंने बोला कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग उनको यूज करना है. कहीं पर जहां पे इनक्योरेबल यूज करोगे वहां पे हो सकता है कोई दूसरा वर्ड ना यूज कर सको, ठीक है. लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अभी अभी क्योंकि हम लोग रूट वर्ड से मीनिंग को समझ रहे हैं, तो एट दिस टाइम, इस टाइम के लिए क्या करो, तुम इनको लर्न करना शुरू कर दो, ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज मेलिंगर. इज अ वर्ब, फेंक करना भाई, स्कूल नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना. अब बहाना बना रहे हो भाई जी पेट दर्द है, ठीक है, हाथ में दर्द है, सर में दर्द हो, तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, प्रिटेंड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो ना, प्रिटेंड कर रहे हो यहाँ पे. क्यों कर रहे हो, काम से बचना है ना, होमवर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, तो तुम प्रिटेंड कर रहे हो. PRETENDing, दिस इज डी. ठीक है, प्रिटेंड कर रहे हो काम से बचने के लिए, काम से दूर भाग रहे हो, मतलब तुम शर्क कर रहे हो उस वर्क को, शर्क कर रहे हो, यू आर रनिंग अवे, भाग रहे हो काम से, तो उसको क्या बोलेंगे, शर्क करना, ठीक है. नेक्स्ट इज स्लैक. सो ऑल हैव द सेम मीनिंग, ठीक है ना. अच्छा मॉल तो तुम लोगों को पता है, ये मॉल क्या है, नाउन है, ये तो शॉपिंग सेंटर हो गया, क्या इसका बैट से लेना देना है. मॉल को तुम बैट बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो, बता भाई. रूट वर्ड तो MAL है, लेकिन यहाँ पे डबल L हो गया, मॉल हो गया, तो मॉल तो गलत चीज नहीं है ना, बोलो. नेक्स्ट वर्ड इन द लिस्ट इज व्हाट, मैलेट. मैलेट क्या होता है, हैमर, तोड़ने वोड़ने के काम में आता है, ठीक है. अमृत कौर कह रहे हैं, अच्छा ठीक है बेटा, मैं कल बात करती हूँ. लेकिन लिसन अमृत कौर, एक बात मैं तुमको बोलूंगी बेटा, ये जो हमारा कोर्स है ना, जो हम ऑनलाइन पे चला रहे हैं, ये चलता रहेगा, इट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप. ये कोर्स चलता रहेगा, ये खत्म नहीं होगा पूरा तुम्हारे एग्जाम तक. मेरी जो इंग्लिश की क्लासेस है या मैथ्स की क्लासेस है या जो भी क्लासेस चल रही है ना NDA की, वो सब कंटिन्यू रहेंगी ऑनलाइन. पूरा कोर्स तुम्हें ऑनलाइन कराया जाएगा, तो क्यों चिंता कर रहे हो. समझ में आ गया अमृत, अमृत कौर, ठीक है. ये कोर्स तो पूरा ऑनलाइन चल ही रहा है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, नो मनी इज चार्ज फॉर दैट, सो जस्ट करते रहो, ठीक है. उसके बाद बताया जाएगा, आगे अपडेट तुम्हें किया जाएगा. अच्छा नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज, तो मैलेट समझ में आ गया, मैलेट क्या हो गया, हैमर हो गया. आगे और देख लेते हैं वर्ड्स को हम. मैल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, पोषण, क्या खाना मिल रहा है, क्या उसमें कैल्शियम है, क्या उसमें आयरन है, क्या विटामिन ABCD जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है. बायो क्लास क्यों बंद हो गई बेटा, बायो क्लास बंद नहीं हुई है, बायो क्लास चलेगी, ठीक है, बायो क्लास बंद नहीं हुई है. सो मैल न्यूट्रिशन इज बैड न्यूट्रिशन, जब जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, अगर उन वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को नहीं मिलते हैं, तो हम क्या, जैसे अफ्रीका का केस देख लो, अफ्रीका का केस देख लो, कितने सारे रिकेट्स हो गया और कौन कौन सी बीमारियां वहां पे बच्चों को हो जाती है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दे आर ऑल डेफिशिएंसी डिजीजेस, ठीक है ना. नेक्स्ट वर्ड इज मैल प्रैक्टिस. भाई समाज में बहुत सारी कुप्रथाएं हैं, हमारे समाज में बहुत सारी कुप्रथाएं हैं, गर्ल्स को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है, गर्ल्स को पढ़ने से रोका जाता है, ठीक है. गर्ल्स के लिए भी है, पहले तो हमारे समाज में जो विडो रीमैरिज थी वो भी नहीं हुआ करती थी,
तो फिर और भी था कि डाउरी सिस्टम था, ये सब क्या कुप्रथाएं हमारे समाज में थी, तो उसको क्या बोलेंगे, मैल प्रैक्टिस, बैड प्रैक्टिस या इवल प्रैक्टिस। ओके योगेश भगेल, यू आर अ न्यू स्टूडेंट, यू आर वेलकम टू माय क्लास बेटा। तो बैड प्रैक्टिस क्या हो गया, बैड प्रैक्टिस तो हम बोल सकते हैं गलत काम जो होता है, रॉन्ग डूइंग हो गया, ठीक है, थोड़ा सा मैं साइड हो जाती हूँ। मिसडिमीनर होता है किस तरीके से हम बिहेव करते हैं, हमारा एटीट्यूड कैसा होता है, अगर वो गलत एटीट्यूड है, बैड एटीट्यूड है, तो मिसडिमीनर हो गया, ठीक है, मैलफिसेंस हो गया, मिसकंडक्ट हो गया, बिहेवियर इज नॉट गुड, बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे भाई, माल प्रैक्टिस है, मिसकंडक्ट है, मिसडिमीनर है। समझ में आ गया? ओके योगेश, यू वेलकम टू माई क्लास माई डियर। ठीक है, हम देखो योगेश, हम अपनी वोकैबुलरी को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, बहुत कुछ सीख रहे हैं, वोकैबुलरी को इंक्रीज भी कर रहे हैं और ग्रामर भी सीख रहे हैं। अभी ज्यादा क्लासेस हमारी निकली नहीं है, वोकैबुलरी की ये फर्स्ट क्लास है हमारी, ठीक है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। और ये क्लास मेरी अब से शाम को चलेगी, पहले दोपहर में ही चलती थी ना, दोपहर को चलती थी, अब ये क्लास मेरी रात को चला करेगी, शाम को ही चला करेगी, ठीक है, 6 बजे से 6 to 7 ये मेरा ऑनलाइन क्लास का टाइम है, 6 to 7 PM, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट वर्ड हम देख लेते हैं, मैल ट्रीट, किसी को भाई अच्छे से ट्रीट नहीं करना, किसी को गालियां देना, किसी को श्राप देना, किसी को किसी के लिए गंदे गंदे वर्ड्स बोलना, तो उसको क्या बोलेंगे भाई, माल ट्रीट हो रहा है, गंदे तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, तो वर्ड्स कौन कौन से हो गए देखो, अब्यूज करना या इल ट्रीट करना या किसी चीज को मिसयूज करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज मैलेडिक्शन, फिर से हम तोड़ देंगे इसको, मैल का मतलब तो हमें पता है भाई बैड, और डिक्शन मतलब क्या होता है, चॉइस ऑफ वर्ड्स, किस तरीके से कौन सी भाषा कौन से वर्ड्स को आप यूज कर रहे हो, टाइम चेंज हो सकता है, क्या हो गया बेटा, टाइम में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि उसके बाद फिर मैथ्स की क्लास हो जाती है, फिर जीके क्लास हो जाती है, तो फिर बेटा गड़बड़ हो जाएगा ना, क्लैश करेगा टाइम। डिक्शन का मतलब क्या होता है, डिक्शन का मतलब होता है चॉइस ऑफ वर्ड्स, क्या मतलब होता है चॉइस ऑफ वर्ड्स, क्या वर्ड्स आप चूज कर रहे हो बोलने के लिए, गंदे वर्ड्स यूज कर रहे हो तो वो क्या बोलेंगे भाई, मैलेडिक्शन, इम्प्रिकेशन, कर्स हो गया, श्राप देना किसी को, एनीथीमा हो गया, एग्जीक्रेशन हो गया, सबका मतलब है भाई गंदे वर्ड्स बोलना, किसी को गालियां देने की बात करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज मैलेफैक्टर, मैलेफैक्टर कौन हो गया, जो गंदे काम करता है, डूअर, बैड जो काम करने वाला होता है, इवल डूअर हो गया, रॉन्ग डूअर हो गया, ठीक है, क्रिमिनल हो गया एंड फेलॉन हो गया, क्रिमिनल हो गया, ये सब गलत काम ही तो करते हैं, ठीक है, अपराधी है तो वो गलत काम ही तो करेगा, तो ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए मैलफैक्टर। हाँ बेटा, कल होगी मैराथन, कल हमारी जो मैराथन है वो है 10 बजे, 30 मिनट लेट हो जाता हूँ क्लास को ज्वाइन करने में बेटा, फॉर द टाइम बीइंग अभी तो हमारी क्लास यही चल रही है 6 से 7 में, ठीक है, फिर तुम रिकॉर्डेड क्लास देख लेना, ठीक है, उसके बाद देखेंगे बाद में अगर टाइम चेंज हो पाएगा, क्योंकि टाइम चेंज करने के लिए फिर पूरा शफल करना पड़ेगा, बट स्टिल वील कंसिडर, ठीक है, ऐसा नहीं है हार्ड एंड फास्ट, पत्थर की लकीर की नहीं चेंज नहीं हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस थिंग, एक और कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स है हमारे मैल से, इनको और हम देख लेते हैं, देखो इसमें क्या हो गया, देखो इसको पढ़ोगे तुम लोग क्या पढ़ सकते हो, मैल ओडर असनेस, मैल ओडरसनेस क्या मीनिंग हो जाएगा इसका, मैल ओडर, ओडर मतलब क्या होता है स्मेल, मैल मतलब बैड, ठीक है, तो बैड स्मेल, जहां बैड स्मेल से रिलेटेड कोई वर्ड आ गया तो उसको क्या बोलेंगे, मैल ओडर, ओ डी ओ यू आर, ओडर, ओडर, ओडर मतलब क्या हो गया,
स्मेल, बैड स्मेल, बैड के लिए कौन सा वर्ड आ जाएगा? फाउल, फाउल स्मेल, फाउल ओडर, गंदी स्मेल, गंदी बदबू आती है तो उसको बोलेंगे स्टिंक कर रही है, द प्लेस इज स्टिंकिंग, ठीक है। फिर बैड स्मेल हो गया, स्मेलीनेस हो गया, बैड ओडर, स्टेंच, फिटोर, ऑल आर सिनोनिम्स ऑफ द सेम वर्ड। इतने सारे वर्ड अगर तुम याद कर लोगे तुम्हारी वोकैबुलरी तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है बेटा। कल की जो मैराथन होगी ना उसे मिक्स होगा, वोकैबुलरी भी होगी, सिनोनिम्स एंटोनिम्स तो होंगे ही होंगे, एंड एडिटिंग भी होगी, मिस्टेक्स फाइंड आउट करना, ठीक है, करेक्ट द एरर्स वाला क्वेश्चन होगा, बहुत से क्वेश्चंस होंगे बेटा। अभी से तुम क्यों अपनी सरप्राइज को खत्म कर रहे हो? अच्छा, नेक्स्ट वर्ड इज मेलवोलेंस। मेलवोलेंस, अगर हम गलत इंटेंशन के साथ कोई काम करते हैं, गलत इंटेंशन है, गलत धारणा है, गलत फीलिंग्स है, ठीक है, उससे हम अगर काम करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? मेलवोलेंस। मेलवोलेंस क्या हो गया? ईविल और बैड इंटेंट। इंटेंट का मतलब क्या हो जाएगा? इरादा। गलत इरादे से किया हुआ काम हो गया मेलवोलेंस, ठीक है। ओके, मिसएंथ्रोपी, भाई हमें इंसान से हमें तो, हम हेट करते हैं, हम इंसानों को हेट करते हैं, ठीक है, उनके लिए गलत भावना रखते हैं, गलत फीलिंग रखेंगे तो क्या बोलेंगे? मिसएंथ्रोपी, हेट करते हैं ह्यूमन बींग्स को। इल नेचर, हमारा नेचर कैसा हो जाएगा? इल नेचर हो जाएगा। एनमिटी मतलब दुश्मनी होगी, हम हेट करेंगे, हमारे अंदर क्या हो गया? मेलिग्निटी हो जाएगी। मेलिस हो जाएगा, मेलिस ओवरथॉट, मेलिशियसनेस हो गया, स्पाइट, हमारे अंदर जहर भर जाएगा। जब हम किसी को हेट करते हैं ना उसकी तरफ हम नेगेटिव वाइब्रेशंस देना शुरू करते हैं, तुम गंदे हो, तुम्हारा ये हो जाए, तुम्हारा वो हो जाए, नो ऑल काइंड्स ऑफ बैड वाइब्रेशंस, इवन वाइब्रेशंस यू आर गिविंग टू दैट पर्सन, देते हो ना, ऐसा होता है कि नहीं होता है? बेटा मेरी क्लास ना यूट्यूब पे सेव हो जाएगी। ओ लव फ्रॉम दरभंगा, ओ हाउ नाइस, बेटा लव फ्रॉम हरियाणा, मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार हरियाणा की तरफ से तुम लोगों को, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया, देन रिजेंटमेंट हो गया, पसंद नहीं करोगे, लगेगा अरे यार दूर भागो, कौन जाए इस बच्चे के पास या इस आदमी के पास, कौन जाए इस पर्सन के पास, कौन जाए, दूर भागो, हेट हो जाएगा, घृणा हो जाएगी मन के अंदर, मन में जहर भरना, रैंकर भरना, बिटर है, सब कड़वे कड़वे वर्ड्स है भाई, ये तो कड़वे कड़वे वर्ड्स है। तुम लोग अभी क्लास खत्म होने के बाद गुड़ खा लेना, शहद चख लेना, सारे गंदे वर्ड्स आज पढ़ लिए तुम लोगों ने। वेरुलेंस हो गया, स्प्लीन हो गया, मॉडासिटी हो गया, एसिडिटी हो गया, सारे गंदे गंदे वर्ड तुम लोगों ने पढ़ लिए। बेटा बैक वाली क्लास की जो वीडियो है ना वो तुम्हारी यूट्यूब पर हो गई है डाउनलोड, तो वहां पे जाके आराम से उसको देख सकते हो, ठीक है, तुम्हारा कुछ भी मिस नहीं होगा, तुम्हारी सारी चीजें जो है जो मैंने पढ़ाई है, ज्यादा क्लास मैंने ली नहीं है, ग्रामर की दो या तीन क्लास है, वोकैबुलरी की ये फर्स्ट क्लास है, तो वो हो गई है तुम्हारी यूट्यूब पर। सुखोई एकेडमी पे जाना, आई एम टेलिंग यू, गो टू दैट सुखोई एकेडमी चैनल, उसको सब्सक्राइब कर लो, उसके सारी वीडियोस तुम्हें दिखेंगी, उनको देख लो, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट मैल, कैसा लगा मुझे बता दो फटाफट, ये सेशन तुम्हें कैसा लगा, ठीक है, अच्छा लगा तो भाई मुझे फटाफट थम्स अप दिखा दो, क्योंकि हम नेक्स्ट रूट वर्ड पर जाने वाले हैं, और जो नेक्स्ट रूट वर्ड है ना वो है एम्बिडेक्स्ट्रस, यहां पे आई आएगा, दिस इज आई, ए एम बी आई, इसको हम आई कर लेंगे, एम्बिडेक्स्ट्रस, ठीक है। ओके बेटा प्रिया मैम पढ़ाएंगी हरियाणा का शेर, ओ वेरी गुड, ओके सो दिस इज एम्बिडेक्स्ट्रस। अब हम इसको देखेंगे रूट वर्ड, रूट वर्ड हमारा है ए एम बी आई एम बी, एम बी का मतलब क्या होता है? अगर हम तोड़ देना इस वर्ड को, तोड़ दो, तोड़ने से क्या होता है? एम बी का मतलब होता है बोथ, क्या मतलब होता है? बोथ, दिखाई नहीं दे रहा, इसको मैं दूसरा ले लेती हूं, रेड चलेगा, चलेगा,
ठीक है, एमबी का मतलब हो गया बोथ हो गया। जैसे मैंने बोला कि भाई मैं बहुत कम बोलती हूँ, मैं फ्रेंडली नहीं हूँ, मैं अगर नए नए लोगों के बीच में जाऊंगी मैं चुप हो जाती हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी, मैं किस तरह की गर्ल हो गई, मैं किस तरह की हो गई। ओ थैंक यू पंडित जी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा पंडित जी। अच्छा अगर मैं कम बोलती हूँ तो मैं क्या बोलूंगी भाई, मैं तो बोलूंगी मैं तो फ्रेंडली हूं, मैं फ्रेंडली नहीं हूं। अगर मैं फ्रेंडली नहीं हूं तो मैं कैसी हूं, मैं तो रिजर्व्ड हूं, मैं रिजर्व्ड हूं। यस तो मैं कैसी हो गई, मैं इंट्रोवर्ट हो गई। क्या हो जाऊंगी, मैं इंट्रोवर्ट हो जाऊंगी। यस तो मैं रिजर्व्ड हो गई, मैं इंट्रोवर्ट हो गई, मैं फ्रेंडली नहीं हुई। ठीक है, अब एक और जना है, एक और पर्सन है, वो किसी जगह पे जा करता है, नए लोग हैं और खूब बातें करता है, खूब बातें करता है, खूब बातें करता है। तो ये जो दूसरा पर्सन है ना, वो कैसा है, वो फ्रेंडली है, है? रिजर्व्ड है, रिजर्व होगा वो, नहीं होगा। तो वो क्या हो जाएगा, वो अपने थॉट्स को बाहर निकालता है, वो अपने थॉट्स को लोगों के साथ शेयर करता है। देखो यहां पे क्या हो गया, वीईआरटी वर्ड, वर्ड का मतलब होता है टर्निंग राउंड, वर्ड का मतलब टर्निंग राउंड। तो अगर हम बोलते हैं इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट मतलब हो गया वो घूमना है, वो अपने अंदर ही अंदर अपने थॉट्स को घुमाता रहता है, घुमाता रहता है, घुमाता रहता है, तो वो हो जाएगा इंट्रोवर्ट। घुन्ना, सुना है वर्ड घुन्ना, बड़ा बड़ा लोकल वर्ड मैं तुम लोगों के साथ यूज कर रही हूँ, घुन्ना बोलते ना, घुन्ना है ये तो, घुन्ना मन की बात ही नहीं बताता है, उसको बोलेंगे इंट्रोवर्ट। दूसरा होता है कौन सा वर्ड, दूसरा होता है एक्सट्रोवर्ट। अगेन वर्ड का मतलब हो गया टर्निंग राउंड, टर्निंग राउंड, टर्निंग राउंड, और कहाँ निकाल रहा है वो सारी बातें, बाहर बोल रहा है सारी बातें। अरे मन में को तो कुछ रखो, बोलते हैं ना अपनी सारी बातें शेयर मत किया करो, कुछ तो मन में रखा करो। लेकिन ना ये जो इंसान है ना, ये सारी बातें बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए सब उगाल देता है, सब दूसरों के सामने। एक्स्ट्रोवर्ट, एकदम एक्स्ट्रोवर्ट, नया पर्सन भी आ गया उससे भी बात शुरू कर देता है, उसको कुछ नहीं होता। हिंदी मींस किसका बेटा, किसका पूछ रहे हो, इन्फॉर्मेशन विद सुमर, किसका पूछ रहे हो, किसकी हिंदी पूछ रहे हो मुझसे, ये मुझे बता दो। तो यहाँ पे क्या होता है, ये पर्सन जो होता है ना वो अपनी सारी बातें बाहर निकाल देता है, तो मतलब वो क्या हो गया, वो हो गया एक्सट्रोवर्ट। अब एक और पर्सन हो गया, दो पर्सन तो हो गए इंट्रोवर्ट, बात ही नहीं शेयर करता है, दूसरा होता है एक्सट्रोवर्ट, हद से ज्यादा तो कर देता है। ठीक है, अब दूसरा एक और पर्सन आ जाता है, तीसरा पर्सन आ जाता है। तीसरा पर्सन कौन होता है, वो जज करता है, अरे यहाँ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, चुप रहना चाहिए, चुप रहता है। अगर दूसरी जगह नहीं बोलना चाहिए वो चुप रहेगा, जहां बोलना चाहिए वहां बोलेगा, वो स्टडी करता है पूरे एटमॉस्फेयर को। तो उसको क्या बोलेंगे, कभी वो एम्बिवर्ट हो जाता है, कभी वो इंट्रोवर्ट हो जाता है, कभी वो एक्सट्रोवर्ट बन जाता है, मतलब है तो दोनों ना, दोनों क्वालिटीज है ना उसके अंदर। तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एम्बिवर्ट, क्या बोलेंगे, MBAMBIVERT, मीनिंग क्लियर हो गया, वो इंट्रोवर्ट भी है और वो क्या है, एक्सट्रोवर्ट भी है। वर्ड क्लियर हो गया अच्छे से, अच्छा ओ यू ज्वाइन नाउ, सारे वर्ड्स बेटा मैं तो हिंदी में पूरा एक एक वर्ड समझा रही हूँ, एक एक वर्ड को मैं तुम्हें हिंदी में समझा रही हूँ। एम्बिवर्ट का मतलब हो गया भाई, इसके जो थॉट्स है ना कभी निकलते हैं कभी नहीं निकलते एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग। चलो नेक्स्ट वर्ड हम देख लेते हैं, एम्बिडेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का मीनिंग जो होता है, एमबी का मतलब समझ में आ गया तुम्हें, एमबी जो रूट वर्ड है उसका मतलब है बोथ। अगर हम बोलते हैं डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस का अकेले का मीनिंग होता है स्किल्ड, निपुण, ठीक है निपुण, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, SKILLED, स्किल्ड, वो स्किल्ड होता है, वो निपुण होता है। तो एम्बिडेक्स्ट्रस का मतलब क्या हो गया कि वो दोनों हाथों से काम कर सकता है। पहले क्या होता था ना भाई, राइट हैंड से लिखना अच्छा माना जाता है, राइट हैंड से लिखना मतलब कि हाँ तुम स्किल्ड हो। तो डेक्स्ट्रस यहां पे आ गया कि अगर तुम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों से लिख सकते हो अच्छे तरीके से, स्किल्ड तरीके से, तो उसको बोलेंगे एम्बिडेक्स्ट्रस, भाई दोनों हाथों से वो लिख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज एम्बिवेलेंट। एम्बी का मतलब तो हो गया बोथ, क्या हो गया एम्बी का मतलब बोथ, और एम्बिवेलेंट का मतलब हो गया
भाई अगर कोई चीज है या कोई पर्सन है, अब वो ना बैलेंस नहीं है उसके दिमाग में, उसके अंदर मिक्स फीलिंग है उस पर्सन के लिए कि भाई ये अच्छा है ये बुरा है, इसने अच्छा किया इसने बुरा किया, वो अपने आप वो जज नहीं कर पा रहा है, सो ही हैज मिक्स्ड फीलिंग्स। उसके अंदर क्या है, वैलेंसी, जैसे बोलते हैं ना वैलेंसी, वैलेंसी क्या होती है केमिस्ट्री में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, वैलेंसी, दोनों वैलेंसीज, वो बैलेंस उसका जो गड़बड़ाया हुआ है वो समझ नहीं पा रहा कि भाई वो सही है कि नहीं है, सो ही हैज मिक्स्ड फीलिंग्स, ही इज नॉट एबल टू जज, सामने वाले को वो जज ही नहीं कर पा रहा किसी चीज के बारे में या किसी पर्सन को वो जज नहीं कर पा रहा, उसके मन में मिक्स फीलिंग्स हैं। नेक्स्ट इज एम्बिलेटरल। एम्बिलेटरल, लेटरल क्या होता है भाई, एम्बी का मतलब तो तुम लोगों को समझ में आ गया, क्या होता है एम्बी का मतलब, टू, अगर भाई कोई बीमारी है, कोई भी चीज हो गई या कोई बीमारी हो गई या भाई कोई दवाई खा ली, अगर वो दोनों ऑर्गन्स को, दोनों तरफ, दोनों ऑर्गन्स नहीं, वो दोनों साइड अगर इफेक्ट करती है, ठीक है, अगर वो इफेक्ट करती है दोनों साइड्स, तो उसको क्या बोलेंगे, एम्बिलेटरल। तो ये क्या कर रही है, अफेक्टिंग बोथ साइड्स, कोई ऑर्गन है उसके दोनों तरफ अगर वो असर डाल रही है, इफेक्ट डाल रही है, उसको बोलेंगे एम्बिलेटरल। समझ में आ गया? यस। नेक्स्ट एम्बिवर्ट हमारा हो गया, एम्बिवेलेंट हो गया। नेक्स्ट इज एम्बिगुइटी। एम्बिगुइटी का मतलब क्या होता है, एम्बिगुइटी मतलब होता है नॉट क्लियर, एम्बिगुअस, नॉट क्लियर, अनक्लियर, ठीक है। तो एम्बिगुइटी क्या हो गया कि भाई कोई पैराग्राफ तुमने पढ़ा, ठीक है, अब तुम्हें समझ में नहीं आया, क्यों नहीं समझ में आया, क्योंकि उस लाइन में या उस पैराग्राफ में दो से ज्यादा मीनिंग्स हैं, क्या हुआ उसमें एम्बिग्विटी है, बिकॉज देर आर टू और मोर मीनिंग्स, तो जब दो से ज्यादा मीनिंग्स हुए तो वो जो समझना हो गया ना वो थोड़ा सा ठीक नहीं हुआ, वो ठीक से समझ नहीं आया, तो हम बोलेंगे कि भाई इस पैराग्राफ में तो एम्बिग्विटी है। समझ में आ गया? नेक्स्ट वर्ड इज एम्बिपोरस। एम्बिपेरस क्या होता है, एम्बिपेरस होता है जैसे फूल है, सॉरी पौधा है, उसमें कली है, कली में फूल भी है पत्ती भी है, समझ में आ रहा है, दोनों चीजें हैं, फूल भी है पत्ती भी है, तो उसको बोलेंगे एम्बिपेरस, मींस हैज बोथ फ्लावर एंड लीफ, ठीक है। तो अच्छा एक वर्ड रह गया बीच में, दैट इज एम्बियंस। कहीं पे जाओ वहां का जो एटमॉस्फेयर होता है बहुत अच्छा होता है, चकाचौंध करने वाला होता है, तो उसका एम्बियंस हम बोलेंगे भाई उसका तो एम्बियंस बहुत ही बढ़िया है। तो एम्बियंस का मतलब होता है ऑल अराउंड, जो सराउंडिंग है ना, एम्बियंस मतलब क्या होता है, सराउंडिंग, उसके आसपास, एम्बियंस, तो ए का मतलब हो गया अराउंड, एम जो होता है ना, एम एम्बियंस तो मतलब उसके आसपास का जो एटमोसफेयर है ना वो कहलाएगा एम्बियंस, सराउंडिंग। एटमॉस्फेयर अराउंड, सो वी हैव डन दीज वर्ड्स, हमने ये वर्ड्स किए हैं जो कि रूट वर्ड से बने हैं, कौन सा रूट वर्ड, एमबी, और इसके पहले हमने कुछ वर्ड्स किए जो कि किससे बने थे, किससे बने थे, MAL, मैल प्रैक्टिस, ठीक है, मैलिवोलेंट, हमने मैल वाले वर्ड्स पढ़ लिए रूट वर्ड्स, और हमने आज एमबी वाला कर लिया, दो रूट वर्ड्स हमने आज के सेशन में कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अगर अच्छा लगा सेशन तो लाइक जरूर से करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, उन फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर करना जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। सब्सक्राइब भी करना भाई, कुछ नए नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं आज जो कल नहीं थे, डू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। सो दिस वॉज फॉर टुडे, गुड नाइट फ्रॉम दीप्ति मैम एंड गुड बाय फ्रॉम सुखोई अकेडमी चैनल, सी यू टुमारो, नॉट टुमारो, सी यू ऑन मंडे, मंडे को मिलते हैं शाम को 6 बजे।